इसी कड़ी में सुपेला के आकाशगंगा व्यवसायिक परिसर में भी विराजित माँ दुर्गा की प्रतिमा का 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना व हवन करने के बाद 9वें दिन के दोपहर बाद विधि विधान से ससम्मान माता की विदाई कर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे विशेष रूप से शामिल हुए। 9वें दिन आकाशगंगा में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे व श्रद्धालुओं ने महाभंडारे में शामिल होकर माता का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को लेकर दुर्गोत्सव समिति के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। आज नवमी के अवसर पर हमारे यहाँ भव्य महाभंडारा का आयोजन किया गया और हर वर्ष की तरह विगत 17-18 वर्षों से माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे यहाँ का महाभंडारा का शुरुआत वही करते थे। आज भी उन्होंने आके यहाँ पे दर्शन किया और उसके बाद महाभंडारा का शुरुआत किया और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने हमारे को पूरा स्नेह प्रदान करते हुए हमारा बहुत अच्छे से सब कार्यक्रम का संपन्न समापन करवा। तो सबको सुखी रखे, संपन्न रखे और नील सर बताएंगे आप माता से क्या कामना करते हैं। संपूर्ण तरीके से सुख शांति रखे सभी जगह। आज नवमी का दिन यहाँ के आकाशगंगा व्यापारी संघ के द्वारा कई दशकों से यहाँ मनाया जाता रहा है और हम भी लगभग प्रत्येक वर्ष आते हैं। पिछले 2 साल जो कोरोना का काल था उसको छोड़ करके और उस समय यहाँ हुआ भी है और सब लोग माँ की बड़े 9 दिन तक की करते हैं और इनका बड़ा सिस्टमेटिक कार्यक्रम होता है। माता से क्या काम करते हैं? माता रानी सबको जो उन लोग माता रानी के दरबार में जो यथेष्ट लेके गए हैं, मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबको पूरे विलई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों से, देश और संपूर्ण मानव समाज में वो सारी आदि शक्ति है जिससे लोगों की कुदृष्टि और कुचेष्टाओं पर रोक लगाया जा सके।